तो यार गाइस कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू द न्यू गेम वीडियो। यार ये तो लाल घोड़ा है और रुक जा मेरे सवारी करने। ओ भाई जब ये तो सवारी करने नहीं दे रहा, तो जान दो गाइस। अब यार मैं देखो खेल रहा हूँ लोकी क्राफ्ट, यानी अपना माइनक्राफ्ट भी इसे बोल सकते हो। तो यार मेरा ना प्लान था, मैं देखो राइट साइड में मेरा घर है और लेफ्ट साइड में मेरा ससुर का घर है। तो ससुर ने मुझे पार्टी के लिए बुलाया, लेकिन भाई साहब इसमें ब्रिज नहीं, तो देखो मेरे साथ ये हाल होता है, मैं सीधा जाकर पानी में डूबकी लेता हूँ। तो गाइज अभी मेरे को ससुर जी ने कहा है साले तो सिविल इंजीनियर है, तो यार जल्दी से एक अच्छा सा ब्रिज बना ले। तो गाइज उनकी बात मैंने अपने दिल पे मतलब गार्ड बांध लिया और भाई साहब मैं निकल पड़ा ब्रिज बांधने के लिए विदाउट सीमेंट का। तो चलो यार गाइस मतलब ऐसा ब्रिज बनाऊंगा ना कि किसी ने। तो यार गाइस देखो यार अभी अपना ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है, मतलब इसमें ना यार ढेर सारी डिज़ाइन दूंगा। मतलब यार सॉरी गाइस हमने इसकी स्पीड आगे बढ़ा दी ज़्यादा की है, क्योंकि ये ब्रिज यार बड़ा है, मतलब यार वैसे तो छोटा है लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा है। तो फाइनल देखो मैंने इसका एक पियर बना दिया है, मतलब यार एक पियर बनाया इधर, तो भाई साहब अब दूसरे साइड में भी पियर बनाना पड़ेगा और इसके ऊपर हमें गर्डर डालने पड़ेंगे। हालाँकि गाइस मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ इसलिए यार मेरे को पता है, क्योंकि अपने चैनल का भी नाम है सिविल गेमर, अपनी लाइफ है मिस्त्री जैसी। तो जाने दो गाइस अभी देखो ब्लॉक मेरे इधर भी तैयार हुए हैं, लेकिन यार नीचे मुझे ना इधर भी एक साला गर्डर बनाने पड़ेगा। तो यार लोकी क्राफ्ट गेम में अपना पहला एपिसोड है, आई होप आपको वीडियो भी पसंद आया हो। मतलब यार अभी तो पूरा नहीं हो चुका लेकिन गेम खेलने में आपको मजा आता हो तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करें यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। तो देख सकते हो गाइज अभी हमने इस ब्रिज के पियर बना दिए है और अभी शाम हो चुकी है और भाई साहब देखो अंधेरा पड़ चुका है। तो फाइनली मैं इधर ना यार मशाल लगाने वाला हूँ, ये मशाल है या मोमबत्ती मेरे को भी घंटा नहीं पता, लेकिन मोमबत्ती तो नहीं मशाली है। तो फाइनली गाइज देख सकते हो हमें अपना काम रात में भी चालू रखना है, इसलिए मैंने ना सभी जगह पर दिवाली की है। मतलब यार ऐसा लगना चाहिए कि इस बंदे ने दिवाली में पुल बनाया। तो जान दो यार गाइस देख सकते हो अभी कितना यार मतलब ब्रिज का वैसे तो कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके फाउंडेशन में ही ज़्यादा यार काम होता है। तो यार देख सकते हो अभी मैं ना मैं नदी का जो किनारा है उसके ऊपर ब्लॉक लगाने वाला हूँ, क्योंकि पानी ना मतलब यार परकोलेट ना हो, मतलब पानी ज़मीन के अंदर ना घुसे ज़्यादा। तो गाइस देख सकते हो मतलब हम रिवर के साइड में भी ऐसा वैसा करने वाला है, क्योंकि रिवर को एक अच्छी सी डाइवर्जन मिल चुके। तो गाइस देख सकते हो अभी तो यहाँ पर पूरा हो चुका है और अभी बच चुके हैं सुबह के 8:30। तो गाइस देख सकते हो हमारे यार बियर आउटमेंट तैयार है, बस यार हमें ना इधर से सीधा स्लैब डालना पड़ेगा। वैसे तो यार ये ब्रिज हमारा आसानी से 2 मिनट में बना लेता, लेकिन भाई साहब दिक्कत ऐसी आती क्योंकि अंदर से ना पानी ना जाता, मतलब यार हमें ना एक आर्च टाइप वाला ब्रिज बनाना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर नीचे कोई कॉलम नहीं होएगा, कॉलम के बदले में ट्रस होएगा। तो जान दो गाइस अभी देखो इस साइड का अबुटमेंट हमने पूरा किया है, बस यार मुझे यहाँ पर एक स्लैब डालना पड़ेगा। तो वन साइड पूरी हो चुकी है और गाइस काम चल रहा है दूसरी साइड का। तो फाइनल गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने ना एक तरफ का यार बीम है ना उसे कंप्लीट किया है, तो ऐसा करके मैंने दोनों भी तरफ के बीम कंप्लीट किए और हमें बीम बनाने में लगभग बच चुके हैं 7:30। अब यहाँ पे बारी आ चुकी है ब्रिज को ऊपर गर्डर डालने की, तो यार गर्डर तो अच्छा डाल लिया हूँ और इसमें यार कुछ ऐसे बीम भी दे रहा हूँ। तो देखो गाइज अभी मतलब यार इसको ना प्लाईवुड से बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसके नीचे एक कॉन्क्रीट वाला थर है और कॉन्क्रीट के ऊपर प्लाईवुड है, मतलब प्लाईवुड तो है नहीं लेकिन प्लाईवुड जैसा कलर है, इसलिए बंदे चुक जाते हैं इसमें। तो यार गाइज में तो यार ये गेम तो बहुत सही लगा मेरे को, बस यार ये तो बना लिया मतलब डिज़ाइन अच्छी खासी है। तो फटाफट ना यार इसके साइड से हमें एक पैरापेट वॉल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता यार गाइज मेरे जैसे साला लोंडा अपनी पत्नी को रात को मिलने जाए और साला जाते जाते ब्रिज के पानी में गिर जाए, तो यार क्या इसकी इज्जत रहेगी भाई ससुराल में अपने। तो जान दो गाइज अभी अपना ब्रिज लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो यार अब बारी है पैरापेट वॉल बनाने की, यार मेरे को मोमबत्ती भी लगानी पड़ेगी, तो मोमबत्ती तो लगाएंगे। तो ये देखो अभी मेरा काम चल रहा है पैरापेट वॉल लगाने का, क्योंकि पैरापेट वॉल नहीं तो साला जिंदगी नहीं। तो देख सकते हो अभी पैरापेट वॉल का काम चालू हो चुका है और इसे ना गाइज हमें एक अच्छी तरह से सजाना पड़ेगा, मतलब यार इसके ब्रिज के ऊपर ना हमें 6 जगहों पे ऊपर रोशनी देनी पड़ेगी, अंधेरा तो नहीं ना यार अच्छा लगेगा ब्रिज के ऊपर। तो देख सकते हो एक साइड की पैरापेट वॉल का कंस्ट्रक्शन हमारा पूरा हो चुका है, अब चालू किए हमने दूसरी साइड की पैरापेट वॉल। तो इसमें से अंदर ना हमें एक ऐसा बक्सा रखना पड़ेगा यार कुछ, तो क्योंकि भाई साहब इसके ऊपर ना हम सीधा मशाल डाल देंगे, और मशाल डालने के बाद क्योंकि यहाँ पे सारा चारों तरफ उजाला ही उजाला फैलेगा, यानी अंधेरा कायम था और नहीं रहेगा। तो गाइस अभी देख सकते हो मेरे पैरापेट वॉल का काम लगभग 100% पूरा हो गया और भाई साहब मैं टप्पे के ब्लॉक बिछा रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हो ब्लॉक मैंने इसलिए बिछाए अच्छा भी लगे और इसके ऊपर हमारी मशाल अच्छे से सेटल हो जाए। तो गाइस देख सकते हो अभी अपना ब्रिज तो लगभग
80% तो यार तैयार हो चुका है, लेकिन यार अपने को बनाना है ब्रिज टावर, मतलब इसके ऊपर एक टावर बनाना है क्योंकि वो ब्रिज का नीचे वाला लोड ऊपर की तरफ खींचे। तो चलो यार गाइज, उसके लिए मेन है यार अभी एक वो बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हमें इस ब्रिज का ही काम करना पड़ेगा कुछ कुछ रहे तो। यार गाइज मेरे मन में ख्याल आया कि नीचे ना मैं एक रूम बनाऊँ, तो गाइज देख सकते हो फाइनल मैं नीचे रूम बना रहा हूँ क्योंकि गर्मी के मौसम में इधर हमें ठंडाई मिलेगी, ठंडाई मतलब पीने वाली नहीं यार, ठंडाई का एहसास मिलेगा। मतलब तुम अपने ससुराल जाते हुए अगर गांव वाले पीछे लग गए तो अपनी बीवी को लेकर यहाँ जाके खपागप कर सकते हो। तो जाने दो गाइज, ये देखो इसमें मशाल भी लगाई है, रहने की सोई हो गई है, तो जाने दो यार। मतलब एक अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश भी आ चुकी है, मतलब इमरजेंसी में बंदा इस वाली लोकेशन पर ठहर सकता है। तो देख सकते हो अभी ब्रिज का साला का सारा काम हो चुका है लगभग। गाइज मेरे मन में ख्याल आया कि मैं ना यार इस ब्रिज की चौड़ाई तो अच्छी है लेकिन नदी की भी चौड़ाई बढ़ा दूँ क्योंकि इसमें से ना हमें शिप ट्रांसपोर्ट करनी है और आगे बनेगा अपना डैम और उसके पीछे बनेगी सिटी। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी ना यार अपना ब्रिज का सारा काम हो चुका है और गाइज अभी मैं बनाने वाला हूँ इधर एक टावर, मतलब ब्रिज के ऊपर यार एक टावर ना अच्छा लगेगा क्योंकि ब्रिज का नीचे का लोड ना वो अपनी तरफ ऊपर खींच सकता है और भाई साहब दिखने में ना इसका शो भी अच्छा लगेगा। तो एक साइड का कंप्लीट हो गया, अब बारी है दूसरी साइड के, तो यहाँ से मैं ऊपर कॉलम बनाता हूँ 3 कॉलम। तो गाइज अभी आप लोग देख सकते हो लगभग हमारा 80% ब्रिज ना यार कंप्लीट हो चुका है, बस इस स्लैब के ऊपर और एक स्लैब डालने वाला हूँ क्योंकि शो के लिए बस भाई, और सब कोई नहीं। लेकिन यार ये दिखने में ना काफ़ी बढ़िया और सही लग रहा है यार गाइज, गजब का ही। तो गाइज अभी लगभग हमारा ब्रिज तो यार मतलब पूरा हो चुका है और गाइज देख सकते हो अभी मैं यहाँ पे मशाल लगाने वाला हूँ क्योंकि अंधेरे में भी हम यहाँ पे जा सकते। तो गाइज मतलब यार ये ब्रिज नामना बहुत तगड़ा वाला लेवल का होने वाला है आज का। तो चलो यार मैं इसकी आपको सवारी दिखाता हूँ कि कैसे हुआ है, मतलब यार गाइज ये देख सकते हो अभी। तो फाइनल गाइज अपना ब्रिज यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, गुड बाय।